Okay, so good morning, 12th class students. I hope that all of you are fine and utilizing your time in an effective way means you are getting a lot of time for self-study. So I hope that you are utilizing your time. Just my one advice for you is that just follow completely the NCERT only. Just read each line, every line of NCERT, then only you will be able to solve all the questions. Okay? Along with your classes, along with the extra studies that you are taking, the main thing is that you must consider NCERT this time, because 50% MCQs are there. No one can tell you whatever maybe comes in the MCQ form. कोई आपको कुछ तैयारी नहीं करवा सकता. MCQ इट्स अप टू यू, जितना आपने पढ़ा है उसे आप रिकॉल करो. और MCQ है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है. NCERT में बहुत पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सबके माइंड से हम स्किप कर जाते हैं. आप कहीं भी पढ़ते हो तो वो चीजें थोड़ी बहुत स्किप हो सकती है. कई बार ऐसा होता है हम पढ़ाते हैं बट वो नोट्स में नहीं रहती. सो इट्स माई प्लीज इट्स एडवाइस फॉर यू कि इस बार आप NCERT अच्छे से फॉलो करें, NCERT को थॉरली उसको रीड आउट करें. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक, दैट इज कोलाइड. वी आर ऑन द कोलाइड लास्ट टाइम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोलाइड, सो आई टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड. फर्स्ट वन ऑन द नेचर ऑफ, फिजिकल नेचर ऑफ और फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, वो हमने डिस्कस किया था. मैंने आपको बोला भी था दैट NCERT में एक टेबल दिया हुआ है, जस्ट सी दैट टेबल. वहां पर कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका सॉलिड और सॉलिड, मतलब दोनों डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका क्या हो, सॉलिड, तो सॉलिड सोल बनता है. ठीक है, अगर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और लिक्विड आपका डिस्पर्जन मीडियम हो तो सोल बनता है. इनके एग्जाम्पल्स अलग अलग होते हैं. उसके बाद अगर आपका गैस डिस्पर्जन मीडियम है, सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, एरोसोल्स. बट दोनों की इसमें एग्जांपल्स अलग अलग है. सो इट्स वर्क फॉर इट्स द वर्क दैट हैज बीन गिवन टू यू दैट यू हैव टू रीड दैट टेबल योरसेल्फ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersal media, dispersed phase and dispersal medium. ठीक है, यानी कि आप सॉल्यूशन से हमें ज्यादा चीज समझ में आता है. वी आर टेकिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम उन दोनों के बीच का अगर इंटरेक्शन देखने लगे, सो इन द सेम वे द इंटरेक्शन, हाउ इज द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम इज देयर, तो दो ही बातें हो सकती है, या तो वो उससे इंटरेक्ट कर रहा हो या आपस में दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो. दो ही तो चीजें हो सकती है इंटरेक्शन के बेसिस पे, या तो हो या ना हो. तो इसी के बेसिस पे इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन आता है लायोफिलिक एंड सेकेंड वन आता है लायोफोबिक. लायोफोबिक, ठीक है, लायो मीन्स लिक्विड. ठीक है, यहां पर मैं लिक्विड की बात करूं या फिर हमने वर्ड ले लिया कोई भी डिस्पोजल मीडियम. ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम. फिलिक मीन्स लविंग. ओके, अगेन लायो मीन्स सेम हो गया, फोबिक मीन्स हेट, फोबिया, डर. ठीक है, यहां पर हेट कह सकते हैं या डर आप बोल सकते हो, फोबिया. ठीक है, किसी चीज का फोबिया होना, फोबिक, डर है उस चीज का. या यहां पर हमने दूसरा वर्ड यूज कर लिया हेट. ठीक है, यानी एक तो डिस्पर्जन मीडियम से इंटरेक्ट हो रहा है और दूसरा उससे दूर भाग रहा है डर के. तो ये दो केस हो गए. अब हमें देखना ये, चलो ये तो हमें समझ में आता है कि इंटरेक्शन हो रहा है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, तो ये तो बन जाएगा. बात किसकी आपकी आती है, बात आती है आपकी लायोफोबिक की, कि जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो बन कैसे रहा है. तो चलिए अब हम इन दोनों की थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. ओके, लायो मैं वन बाय वन डिफरेंस की फॉर्म में करूंगी, लायोफिलिक एंड दिस इज लायोफोबिक. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, मैं पहले इसको कंसिडर करके चल रही हूं. इसमें सिंपली क्या करते हैं, इट इज सिंपली फॉर्म बाय मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज विद मीडियम, यानी डिस्पर्जन मीडियम. पहला पॉइंट याद में रखिएगा, लायोफिलिक कैसे बनते हैं, सिंपली
एक डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों को मिक्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है बन गए। ठीक है भाई, ये डिस्पर्स फेज था, ये डिस्पर्जन मीडियम है, हमने दोनों को लिया, ठीक है दोनों को इंटरैक्ट करा, इंटरक्शन हो गया, बन गया मेरा, ठीक है सोल प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करें लायोफोबिक की, लायोफोबिक की आप बात करते हैं, सो फॉर्म बाय स्पेशल मेथड, फॉर्म बाय स्पेशल मेथड्स, और वो मेथड्स हमारे केमिकल मेथड्स होते हैं। इट मींस लायोफोबिक क्या है, डर है उन्हें, और जब डर होता है किसी चीज का तो उसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है ना। हमने भी देखा होगा, अगर हमें किसी चीज का डर है तो उसे हमें ओवरकम करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लायोफोबिक सोल बनाने के लिए भी तो हमें थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऐसा थोड़े ना इसकी तरह मिक्स किया और ये हो गया। ये किस तरीके से है, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये डिस्पर्स मीडियम है, डिस्पर्जन फेज है, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कराना है तो देखो ऐसे तो हो नहीं रहा इंट्रैक्शन, तो मैं अगर यहाँ पर फेविक्विक लगा दू, ठीक है अगर मैं यहाँ पर फेविक्विक लगा दू तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक दूसरे से या नहीं हो जाएंगे, तो यही है केस आपका किसका होता है, लायोफोबिक का, यानी मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया, मैंने यहाँ पर फेविक्विक लगाई तब ये दोनों ज्वाइन हो गए। लेकिन जब मैंने फर्स्ट केस में देखा था तो फर्स्ट केस में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल मैंने कैप लगाया, ये बंद हो गया, ठीक है यानी ये इस तरीके से बंद हो गया। तो ये आपके दो केसेस हो गए, लायोफोबिक लायोफिलिक बनते हैं सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज विद डिस्पर्जन मीडिया, लेकिन लायोफोबिक दे कांट बी फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज विद डिस्पर्जन मीडिया, दे विल रिक्वायर सम स्पेशल मेथड, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है अगर मैं इसमें से डिस्पर्जन मीडियम को इवेपोरेट कर दूं, इवेपोरेट कैसे, ठीक है आप सपोज करो, जब आपने देखा होगा आपको शुगर और लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हो, आपको उसमें से शुगर और वाटर का लेते हो, आपको उसमें से वाटर इवेपोरेट करते हैं, ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है, कोलाइड का नहीं है। सिंपली सपोज करो कि मैंने कोई भी कोलाइड लिया, उसमें से मैं डिस्पर्जन मीडियम को क्या कर रही हूँ, इवेपोरेट कर रही हूँ, ठीक है। अब एक बार ये इवेपोरेट हुआ, ठीक है मैंने इसको क्या किया, इवेपोरेट किया, इवेपोरेट होने के बाद मैंने उस लिक्विड को अलग से कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करना में आता है, हमने बहुत बार देखा हुआ है बहुत सी टेक्निक में कि वेपर्स को कलेक्ट करना है, ठीक है कलेक्ट किया मैंने, ठीक है दोनों को अलग किया, कोलाइड जो मैंने डिस्पर्स्ड फेज था वो मेरा अलग हो गया और डिस्पर्जन मीडियम मेरा अलग हो गया, अलग अलग कर लिया। अब मैं दोबारा क्या करूं, दोबारा दोनों को मिक्स कर दूं, वो दोबारा पहले जैसा कोलाइड बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला है, द थिंग इज दैट कि आप सिंपली इन्हें क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल क्यों होते हैं, वंस गेट सेपरेटेड फॉर्म्ड अगेन बाय सिंपली मिक्सिंग। एक बार आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर लिया, और अलग करने के बाद आप दोनों को दोबारा मिक्स करो, वो पहले जैसा हो जाएगा। बट लायोफोबिक में क्या होते हैं, एफर्ट, यार एफर्ट करना है, फेविक्विक लगाई है, अब अगर एक बार फेविक्विक लगा दी और मैंने इसको हटा दिया, ठीक है हटाने के बाद मैं सोचूं दोबारा दोनों को एक साथ रख दो, जुड़ जाएंगे क्या, जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप पहले वाला मेथड दोबारा से अप्लाई नहीं करोगे। तो इसलिए जो लायोफोबिक सोल होते हैं दे आर नोन टू बी इररिवर्सिबल इन नेचर, ये कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल इन नेचर। वंस दे गेट कोएगुलेटेड, कोएगुलेटेड एक वर्ड है कोलाइड में बहुत बार आएगा, कोएगुलेशन का मीन्स यहाँ पर प्रेसिपिटेशन से ही है, जैसे हम प्रेसिपिटेट की बात करते हैं वैसे कोएगुलेशन होना है, मतलब छोटे छोटे कोलाइड के पार्टिकल आपस में स्टिक एक दूसरे के साथ होके कोएगुलेट हो जाते हैं, ठीक है यानी आपको अलग से दिखने लगे, एक साथ बहुत सारा पार्टिकल आ जाए प्रेसिपिटेट की तरह, तो कोएगुलेशन इज द सेम थिंग। तो अगर आप एक बार डिस्पर्स फेज में से, डिस्पर्जन मीडियम में से डिस्पर्स फेज को कोएगुलेट कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो सिंपली मिक्स करके, इंटरमिक्सिंग करके आप दोबारा से लायोफोबिक सोल प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी इररिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो दो डिफरेंस क्लियर हुए। तीसरा डिफरेंस, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को तीसरे डिफरेंस में, मैं लिख के बताती हूँ, ये से मुझे इरेज करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्टेबल एंड दीज आर अनस्टेबल, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दो वर्ड में, रिवर्सिबल है तो स्टेबल कैसे हो गया और इररिवर्सिबल है तो अनस्टेबल कैसे हो गया।
तो यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि आपका अनस्टेबल है तो इरिवर्सिबल नहीं हो सकता. इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी उसकी अलग प्रॉपर्टी है, वो हमने किया है, वो हमने खुद किया है, खुद से नहीं हुआ है रिवर्सिबल. ठीक है, खुद से रिवर्सिबल नहीं हुआ, हम जब तक उन्हें अलग नहीं करके दोबारा मिक्स करके नहीं देखेंगे तब तक वो रिवर्सिबल नहीं होगी. तो ये उनकी एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है जो आप अपने आप कर सकते हो. समझ में आ रहा है? ये उनका नहीं है कि आपका कोलाइड रखा हुआ है वो रखे रखे अपने आप रिवर्सिबल और रिवर्सिबल बन जाएगा. नहीं, रिवर्सिबल कब है वो, व्हेन आई यूज टू गेट सेपरेट डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम और उसके बाद मैं तब देखूंगी, मिक्स करके देखा दोबारा तो रिवर्सिबल है. ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इजिली प्रिपेयर हो जाते हैं. हम पता है हम जनरली क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, जो चीज बहुत इजिली हो रही है ना वो स्टेबल है. हम शुरू से एक कॉन्सेप्ट में फंडा बिठा रखा है, जो इजिली हो रही है केमिकल प्रोसेस वो ज्यादा स्टेबल होती है और होता भी है. उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आता है. जो चीज बहुत इजी हो रही है, रिएक्शन बहुत इजी हो रहा है, जो प्रोसेस बहुत इजी हो रहा है केमिकल प्रोसेस, उसका हमेशा अधिकतर डेल्टा जी नेगेटिव होता है. उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल. यहाँ पर देखो आपको एफर्ट लगाने पड़े बहुत ज्यादा और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल. अनस्टेबल इसलिए होते हैं बेटा, ये थोड़ी देर रखने पर अपने आप कोएगुलेट हो जाते हैं बट लायोफिलिक सोल अपने आप कोएगुलेट नहीं होते. लायोफिलिक सोल जब तक आपको, क्योंकि यहां पर देखो अगर ये कोएगुलेशन हो भी गया तो आप दोबारा से डिस्पर्जन मीडियम के साथ सिंपली मिक्स करो, दोबारा से सोल प्रिपेयर हो जाएगा. तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेबल. लेकिन यहां पर देखो ये अपने आप कोएगुलेट हो जाते हैं और एक बार कोएगुलेट हो गए तो दोबारा मिक्स करने पर आप इन्हें दोबारा से प्रिपेयर नहीं कर सकते विदाउट एनी यूजिंग एनी केमिकल प्रोसेस. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल. इनफैक्ट दे नीड सम काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट. कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, वो हमें चाहिए लायोफोबिक सोल के लिए. तो आई होप क्लियर. लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं बट स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक रिवर्सिबल होते हैं एंड अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, अब आई होप दैट दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. तो ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन था. अच्छा, तो एग्जाम्पल देख लीजिए. आपके जो लायोफोबिक सोल होते हैं वो होते हैं मेटल के, उनके सल्फाइड्स के. जब हम मेटल के सोल बनाते हैं, मेटल के सल्फाइड्स के सोल बनाते हैं तो वो आपके लायोफोबिक में आते हैं. लायोफिलिक में आते हैं गम, जिलेटिन, स्टार्च का. जब आप कोलाइड बनाते हो, स्टार्च कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है स्टार्च का, तो स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओ किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में, गम का बनाओ, जिलेटिन का बनाओ, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके लायोफिलिक के. आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज थर्ड जो हमारी क्लासिफिकेशन है, दैट विल डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज पे आपका डिपेंड करेगा. और इसके बेसिस पे आपके तीन टाइप के होते हैं. एक होता है मल्टीमोलिकुलर, एक होता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल और एक होता है आपका एसोसिएटेड या एग्रीगेटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड या एग्रीगेटेड कोलाइड. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया. मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड. अभी मल्टीमोलिकुलर कोलाइड क्या होते हैं, एज द नेम इंप्लाई, मल्टीमोलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं. सिंपल एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, डायग्राम से. मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया, किसी का भी मुझे प्रिपेयर करना, ये छोटे छोटे पार्टिकल थे. ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या है, अपने आप ये पार्टिकल आपको देख रहा होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब इन पार्टिकल्स ने क्या किया, एग्रीगेशन होना स्टार्ट किया. इनका साइज अभी 1 नैनोमीटर से कम होगा. ठीक है, मैं एक सोल बना रही हूं, मैं एक कोलाइड बना रही हूँ. वो कोलाइड मैंने जब बनाना स्टार्ट किया तो पार्टिकल का साइज बहुत कम था, आप मान लीजिए 1 नैनोमीटर से भी कम था. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे पार्टिकल्स अपने आप ग्रुप में कंबाइन होने लगे इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से कंबाइन होने लगे अलग अलग. ठीक है, और जब वो कंबाइन हुए तो उनका जो इन सब का रेंज था वो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया. मतलब हर पार्टिकल का साइज अलग अलग हो सकता है, 1 to 1000 नैनोमीटर डायमीटर के बीच में किसी में भी आ सकता है. तो जहां ये डायमीटर आ गया वहां ये क्या हो गया, कोलाइड. लेकिन अब आप देखो मल्टीमोलिकुलर क्यों है, ठीक है, बिकॉज दीज आर फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल टू गिव डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ
कोलाइड, ठीक है। और ये एग्जांपल बनाते हैं आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके जो आपके गोल्ड के, सिल्वर के, प्लैटिनम के, इनके जो आपका कोलाइड बनता है वो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड ही होता है। सिंपल डिफाइन अगर आप करो, जब आप किसी भी डिस्सोल्यूशन करते हो, मतलब किसी भी डिस्पर्स फेस को डिस्पर्सर मीडियम में डालते हो, तो इसमें क्या होता है, स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल विच आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलाइड, मीन्स हैविंग रेंज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो इसे हम इस कैटेगरी में नहीं ला सकते एसोसिएटेड और कोलाइड, वो अलग है हमारा, वो हम देखेंगे। कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें भी एग्रीगेशन हो रहा है, इसमें भी एग्रीगेशन होता है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम जब वो पढ़ेंगे वो हमें समझ में आ जाएगा। मल्टी मॉलिक्यूलर का इसे नाम क्यों दिया हुआ है, बिकॉज मल्टी एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल बने हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ 3 को कंबाइन करके दिखाया है, 4 को दिखाया, 5 को दिखाया, तो ये डिपेंड करता है आपके कोलाइड पे। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल बनते हैं आफ्टर एसोसिएशन विच रेंज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। तो ये आपका हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, जिससे गोल्ड का बनता है, प्लैटिनम का, सल्फर मॉलिक्यूल, एसिड का जो कोलाइड बनता है वो भी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड ही होता है। नेक्स्ट होते हैं आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बनते हैं जिसमें ऑलरेडी पार्टिकल का जो साइज होता है वो कोलाइडल रेंज में होता है, एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमर्स। जो आपके पॉलीमर्स हैं, स्टार्च है, ये आपके कौन से बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इज सफिशियंट टू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलाइड। उसके बाद सबसे लास्ट आता है हमारा एसोसिएट और एग्रीगेटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, चलिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं आपके, एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड की अगर मैं बात करूं तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन। अब सोप के वाटर में डिसॉल्व करो, उसे सोप सॉल्यूशन बोला जा रहा है, कोलाइड क्यों नहीं बोला जा रहा, तो यहीं से हम आपको डिफाइन करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसेंट्रेशन पे तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। एक सब्सटेंस मैंने लिया है, ठीक है, उस सब्सटेंस में, ठीक है, अगर उस सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन आपकी लो है, लो कंसेंट्रेशन, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। बट व्हेन इट प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन देन इट विल बिहेव एज अ कोलाइड। समझ में आया नहीं आया, देर आर सम सब्सटेंस विच विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट at low concentration, but as you are increasing the concentration of the substance, the particle starts to aggregate or to associate with each other to form a colloidal particle. और उन colloidal particles को हम micelles भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, micelles, या आप लोग micelles भी बोलते हैं। इन्हें associated colloid भी बोला जाता है और micelles भी बोला जाता है। जो आपको soap solution में आपको नाम पढ़ा है ना micelles, वो यहीं से आया, colloid से, क्योंकि लो कंसेंट्रेशन पे तो मिसेस फॉर्म होंगी नहीं। वो कब होंगी, हायर कंसेंट्रेशन पे फॉर्म होंगी, क्योंकि जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा एसोसिएशन होता जाएगा। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। और एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन होती है टेम्परेचर की, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन होती है। द टेम्परेचर अबव विच द मिसेस फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी सपोज करो कि मेरा एक T1 था और एक T2 था, इसमें तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन रहा था, ठीक है, ठीक है, लेकिन T2 पर आकर, ठीक है, T2 के बाद, जैसे ही मैंने सपोज करो T1 मेरा 194 केल्विन था, T2 मेरा 195 केल्विन था, ये एग्जांपल है सिंपल, ठीक है। और इसके बाद मेरा 196 पे मुझे केल्विन पे क्या मिल गया, कोलाइड मिल गया, क्या मिल गया, कोलाइड। यानी कि इस पर क्या था, मेरा इलेक्ट्रोलाइट ही था। तो मैं समझाने के बाद बता रही हूँ, द टेम्परेचर अबव विच द एसोसिएशन और द मिसल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिससे अबव आपका कोलॉइड या मिसल बनना स्टार्ट हो जाए, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड द कंसेंट्रेशन अबव विच द मिसल फॉर्मेशन विल स्टार्ट टू टेक प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन CMC भी उसे बोलते हैं। यानी कि सपोज करो 0.1 मोलर तक, तो 0.1 मोलर अगर आपने सब्सटेंस का लिया था तो 0.1 मोलर तक तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन 0.1 से जैसे ही मैंने 0.15 किया, वो इंक्रीज होके किसमें आ गया, 0.1 से इंक्रीज किया थोड़ा सा,
तो वो इमिसर बन गया, तो यानी 0.11 मेरी क्या हो गई, सीएमसी, क्योंकि उससे अबव अगर आप जाओगे वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में रह सकता है, यानी उससे अबव अगर आप कंसंट्रेशन या टेम्परेचर लेके जाते हो तो उस टेम्परेचर को ग्राफ टेम्परेचर बोलते हैं और उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन और सीएमसी। ठीक है, तो आई होप दैट इतना आपको क्लियर होगा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मसल फॉर्मेशन, यू हैव टू रीड इट आउट yourself, because हमने 10th में मसल फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, वो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, आपको खुद से पढ़ना है। इफ स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, मना नहीं करनी पढ़ाने के लिए, बट क्योंकि हमने 10th में ये बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी तो वही चीज यह है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना। हाँ, मैं आपको सोप का बता दे रही हूँ कि अगर आप कोई भी सोप लेते हो तो जनरली जो क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन होती है सोप के लिए वो 10^-5 to 10^-3 मोल पर लीटर होती है। ये सोप के लिए है, जो आपके सोप होते हैं उनकी क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन है, यानी इससे ऊपर आप कंसेंट्रेशन लेकर जाओगे तो वो आपका हमेशा कोलाइड की तरह बिहेव करेगा या मिसल फॉर्मेशन होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक सोप का एग्जांपल लेके, जैसे आपका सोडियम स्टीरेट है, एक सोप ही तो होता है सोडियम स्टीरेट, C17H35CO-Na, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, पोलर नॉन पोलर पार्ट, टेलर हेड वाला, तो वो चीज आपको खुद से पढ़नी है एनसीईआरटी से, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। नहीं आया देन यू कैन आस्क, फ्री टू आस्क मी। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। तो नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड पे। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, तो हमें यहां पर तीन मेथड पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हमारा आता है केमिकल मेथड। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या इसको हम ब्रेडिक आर्क मेथड भी बोलते हैं, ब्रेडिक आर्क मेथड, आर्क मेथड, ये ब्रेडिक ने बनाया था, ब्रेडिक आर्क मेथड। और लास्ट में हमारा आता है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन। तो ये तीन प्रिपरेशन है। चलिए हम देखते हैं केमिकल मेथड्स में कौन कौन सी आती है। बेटा केमिकल मेथड में आप रिएक्शन ले सकते हो, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन यूज करके प्रिपेयर कर सकते हो, रिडक्शन यूज करके प्रिपेयर कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस यूज करके प्रिपेयर कर सकते हो, और फोर्थ आपका मेथड होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पूरा लिखा नहीं जा रहा। तो देयर आर फोर केमिकल मेथड्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चारों की एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में, वही हमें याद कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ किस तरीके से, जैसे अगर आप हाइड्रोलिसिस का लेते हो, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टू प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। हमें कौन सा प्रिपेयर करना होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। तो उसके लिए हम लेते हैं ये इक्वेशन, दिस इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो गई। ये रिएक्शन कैसे? आपने वाटर से किया है, ठीक है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलता है? फेरस हाइड्रोक्साइड सोल, ये आपका क्या बनेगा? सोल। तो ये रिएक्शन होगी हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन की आप देख सकते हो, आप लो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S इसका, तो आप इसमें ऑक्सीडेशन करते हो, तो ये वाला सल्फर यहाँ पर देखो, इस वाले सल्फर को नहीं, इस वाले सल्फर को देखना, S प्लस H2O बनता है, सल्फर का सोल बन जाता है। यहाँ पर S, H2S में से, H2S में से देखो, यहाँ पर H रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर से सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो गया। वैसे भी अब तो आप 12th में, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी आती है, -2 से 0 चला गया, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ऐसे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, बुक में से देखना, वो दो एग्जांपल और है, रिडक्शन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रिपेयर किया गया है आपका आर्सेनिक का सोल, और रिडक्शन से आपकी गोल्ड के सोल की प्रिपरेशन बताई गई है। तो ये दो रिएक्शन आपको खुद देखनी है, मैंने बता दिया है, सिंपल केमिकल मेथड है, मतलब रिएक्शन याद करने वाली है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा केमिकल मेथड। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन क्या है और ये ब्रेडिक आर्क मेथड क्या है, इसे मैं सिंपल सा एक डायग्राम से इजिली समझा देते हैं। हम इसे जनरली मेटल के सोल प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, सारी प्रॉपर्टी को मेटल के सोल। ठीक है, इसमें क्या लिया है, मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर दूसरा एक कंटेनर रखा।
अब ये रखा कैसे गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे आइस फिल कर दी। क्या फिल कर दिया यहाँ पर? आइस। यहाँ पर सारे में क्या है? आइस है चारों तरफ इसके, यहां तक इस तरीके से आइस में, जैसे आइस का एक बॉक्स ले लो, उसके एक कंटेनर रख लो, दिस इज आइस। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में है मेरा डीएम, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। क्या है यहाँ पर मेरा? डीएम, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर दो मेटल की मैं रॉड लूंगी, ठीक है, दो मेटल की रॉड है और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब दे रखी है, समझ में आया? एक कंटेनर है, उस कंटेनर को रखा हुआ है आइस बाथ में, ठीक है, उस कंटेनर में डिस्पर्जन मीडियम फिल किया हुआ है और दो रॉड उसमें लगाई हुई है, वो मेटल की बनी हुई है जिसका आपको सोल प्रिपेयर करना है और उन रॉड से, रॉड को अटैच कर दिया इलेक्ट्रिक पावर से। अब होगा क्या, जब आप हाई इलेक्ट्रिक पावर होगे तो मेटल क्या होंगे? वेपराइज होंगे, मेल्ट होंगे, मेल्ट होके वेपराइज होंगे। बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक पावर हमें यूज करनी होती है तो उससे आपका क्या होगा, मेटल क्या होगा, आपका मेटल हीट अप होगा, मेल्ट होगा, उससे वेपराइज होगा। ठीक है, बहुत इतना ज्यादा हीट हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली कि वो एकदम से वेपराइज होने लगता है और आइस की वजह से वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। तो जब यहाँ पर कंडेंसेशन होता है तो ये ब्रेडिंग ने बहुत अच्छा मेथड निकाला था इसे प्रिपेयर करने का कि आप आज की जो आपके पार्टिकल आए थे वो आपके कोलाइड रेंज में आए थे। तो सिंपल है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग अ कंटेनर इन विच डिस्पर्जन मीडियम इज फिल्ड इन अ आइस बाथ, इन दैट डिस्पर्जन मीडियम टू आर्क आर टू मेटल रॉड आर इंसर्टेड विच आर कनेक्टेड विद द आर्क। आप जब हीट प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो मेटल हीट अप होके वेपराइज होता है, वेपराइज होके वो डिस्पर्जन मीडियम में जाता है, लेकिन इस आइस बाथ की वजह से वो वेपर्स किसमें वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? छोटे छोटे कोलाइड पार्टिकल में। तो ये आपका हो गया ब्रेडिंग आर्क मेथड। लास्ट में हम जानते हैं पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन के लिए हम लेते हैं कोएगुलेटेड कोलाइड, ठीक है, या आप कोई प्रेसिपिटेट ले लो। प्रेसिपिटेट आपको दिखता है बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, साइज बहुत ज्यादा होता है प्रेसिपिटेट का, पार्टिकल आपको इजिली विजुअलाइज होता है, ठीक है। उस प्रेसिपिटेट को अगर आपको कोलाइड में कन्वर्ट करना हो, किसी भी प्रेसिपिटेट को, तो वहां पर हम कौन सा मेथड लेते हैं? पेप्टाइजेशन मेथड। क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट को एक डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, उस प्रेसिपिटेट को एक डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व किया और उसे डिजोल्व करने के बाद उसमें थोड़ा सा एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसकी वजह से कोलाइड बन जाए, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट विच वी आर एडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रेसिपिटेट इंटू कोलाइड, फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट इंटू कोलाइड। प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, कोलाइड के हमें नेक डाई से नहीं दिखने चाहिए, ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट को फर्स्टली वी जस्ट मिक्स दैट प्रेसिपिटेट विद अ डिस्पर्जन मीडियम बाय एडिंग अ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल जो उसके लिए सुटेबल हो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ उस केस में कि किस तरीके से आपका ये वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। सपोज करो ये आपका प्रेसिपिटेट था, उसके पार्टिकल थे। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आइए कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन है, आगे जाके और भी इसका अच्छा खासा डिस्कशन होगा, तो यहां से ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयंस, ठीक है, और आगे जाके हम कोलाइड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कोलाइड जनरली क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं? चार्ज कोलाइड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोलाइड पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, अगर आपका ये प्रेसिपिटेट अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव आयन को करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को करेगा। अगर न्यूट्रल भी है, अगर मान लो न्यूट्रल भी है, तो कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब होगा ही होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होगा। सपोज करो इस पर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया, इन पार्टिकल्स पे चारों तरफ पॉजिटिव आ गया, इस पार्टिकल पे भी पॉजिटिव, इस पार्टिकल पे भी पॉजिटिव, तो देखो सारे पार्टिकल पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब होगा सारे पार्टिकल में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव दूर भागेगा, लेकिन ये जुड़ किसके साथ गया? प्रेसिपिटेट के, मतलब वो तो बेचारा बेफालतू में फंस गया ना, वो तो प्रेसिपिटेट के साथ जुड़ गया, तो मजबूरी में अब प्रेसिपिटेट को भी दूर भागना पड़ेगा,
और जब पार्टिकल प्रेसिपिटेट के पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे इट मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल और वो आपके किस रेंज में आ जाएंगे कोलॉइड में. सो आई होप दैट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड इज क्लियर टू यू नाउ. ठीक है तो इतना क्लियर है आई होप. अब हम नेक्स्ट टॉपिक अब हम चलते हैं प्रिपरेशन के बाद दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड कि हम कोलॉइड को कैसे प्योरीफाई करते हैं. प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड. तो सबसे अच्छा प्रोसेस तो हमने पढ़ा है डायलिसिस. ठीक है एक हमारा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है डायलिसिस हो गया एक हमारा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस और लास्ट में हमारा आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्या आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब देखते हैं क्या करते हैं इसको. डायलिसिस आपने प्रोसेस तो आपने सब सुन रखा होगा. ठीक है इसमें हम सिंपली डायलिसिस में प्रोसेस में क्या है सिंपली आप अपने कोलाइडल सॉल्यूशन में से एक डिजॉल्व सॉल्वेंट को ये डिजॉल्व सॉल्यूशन को बाहर निकाल रहे हो. आपके अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई भी इम्प्योरिटी है जो डिजॉल्व फॉर्म में है भाई कोलाइड के अलावा जो भी इसमें प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटी अगर वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हम रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं डायलिसिस. डायलिसिस में क्या हम यूज करते हैं एक मेम्ब्रेन हम लेते हैं. ठीक है इस तरीके से ये आपका कोलाइड फिल है इसमें दिस इज योर कोलाइड. इसको हम रखते हैं वाटर इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है वाटर का. ठीक है इस तरीके से और यहां से वाटर का आउटलेट है. ठीक है ये कंटिन्यूअसली वाटर आपका फ्लो हो रहा है. ये जो मेम्ब्रेन है ये जो डायलिसिस का जो मेम्ब्रेन है डायलाइजर बोलते हैं सेपरेटर्स को और ये जो मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी ये आपकी बनी होती है आपकी एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है. ठीक है या फिर आप जैसे ब्लैडर की बनी होती है एनिमल या नेचुरल मेम्ब्रेन हो सकती है या फिर आपकी सेलोफेन शीट होती है. सेलोफेन शीट होती है वो भी आप हम इसमें ले सकते हैं. सॉरी सेलोफेन जैसे आपकी एनिमल मेम्ब्रेन हो गई पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो गई या सेलोफेन शीट होती है वो आप ले सकते हैं इसे डायलाइजर बनाने के लिए. अब इसमें क्या करते हैं एक तरफ से वाटर को बहुत तेजी से फ्लो कराते हैं और ये उन स्ट्रक्चर्स के लिए सुटेबल है कि आपका जो मेम्ब्रेन है आपकी जो मेम्ब्रेन है वो उसमें से कोलाइडेड पार्टिकल बाहर ना निकल जाए. मतलब मेम्ब्रेन इस तरीके से हमें सेलेक्ट करनी है दैट विल अलाउ द फ्लो ऑफ ऑल द सब्सटेंस एक्सेप्ट योर कोलाइडेड पार्टिकल. तो हम क्या करते हैं एक तरह से वाटर को बहुत तेजी से फ्लो कराते हैं तो पानी अपने साथ जितने भी चीजें है वो बहा के ले जाता है एक्सेप्ट कोलाइड बिकॉज कोलाइड कैन नॉट बी पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. तो ये आपका हो गया डायलिसिस. दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस. बेसिकली ये इसी कैटेगरी में है. अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करना है कुछ नहीं करना मैं आप यही यही आपको बता के दिखा रही हूँ. एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हो जाएगा. कैसे आप जनरली डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है स्लो. ठीक है तो हमें पता है जो भी इम्प्योरिटीज होंगी कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा चाहे पार्शियल चार्ज ही हो उनपे. ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस मीन्स वाटर वाटर ही सॉल्वेंट है बस आप उसमें क्या फिल कर दो आप उसमें इलेक्ट्रिक आर्क लगा दो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो इलेक्ट्रॉन लगा दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के. तो उससे क्या होगा जो भी पॉजिटिव इम्प्योरिटी है दे विल मूव टूवर्ड द नेगेटिव एंड जो भी आपकी नेगेटिव इम्प्योरिटी है दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस तरीके से आपका क्या भी हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस. लास्ट आपका आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम क्या यूज करते हैं अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लो तो उससे आप कोलाइड को सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज द कोलाइडर पार्टिकल कैन इजिली पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर. तो हम क्या करते हैं ठीक है हम जो आपका फिल्टर पेपर है उसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं या फिर हम उस एक वर्ड आपको बोला गया है इम्प्रेग्नेटिंग एक वर्ड है दैट विल यूज टू मॉडिफाई द फिल्टर पेपर सो दैट कोलाइडेड पार्टिकल विल नॉट पास थ्रू इट. अब उस मॉडिफाई कैसे करते हैं ठीक है टू मॉडिफाई द नॉर्मल फिल्टर पेपर टू मॉडिफाई फिल्टर पेपर वी यूज कोलाइडन सोल्यूशन. ठीक है कोलाइडन हम बोलते हैं कोलाइडन. ठीक है ये कोलाइडन किसका बना होता है 4% नाइट्रोसेल्युलोज इन
ईथर एंड अल्कोहल, ईथर एंड अल्कोहल का ये मिक्सचर होता है, 4% आपका होता है नाइट्रोसेल्यूलोज इन ईथर एंड अल्कोहल में मिक्स मिक्सचर होता है ये इसका। इससे हम एज ए कोलाइडर यूज करते हैं। कोलाइडर आपके फिल्टर पेपर को मॉडिफाई कर देता है सो दैट कोलाइडर पार्टिकल विल नॉट ब्लास्ट हुए। तो इस तरीके से हम किस तरीके से किया जाता है, पहले हम आपके फिल्टर पेपर को इसमें डिप करते हैं, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड का यूज करके उसे थोड़ा हार्ड करते हैं, दोबारा से हार्डनेस उसकी बढ़ाते हैं और उसके बाद उसे ड्राई करते हैं। तो ये हमारा आपका मॉडिफाइड फिल्टर पेपर प्रिपेयर हो जाता है, जिसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं किसी भी कोलाइड को सेपरेट करने के लिए इम्प्योरिटीज से, और उसको इंक्रीज करने के लिए उस प्रोसेस को हम सक्शन पंप का भी यूज करते हैं, मतलब प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, नीचे से बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करके प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि इजिली आपका सेपरेशन हो जाए। तो ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक है। तो ये मेन चीज थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है। तो पहले हम इसमें डिप करेंगे, फिर फॉर्मल्डिहाइड में डिप करके उसे हार्ड करेंगे, फिर ड्राई करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। यहाँ तक तो था आ सकता है, लेकिन आगे इसमें से एक क्वेश्चन टॉपिक और है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड एंड इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।